नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और लग रहा है कि जंग का मैदान दक्षिण एशिया होगा। लड़ाई चीन और भारत के बीच होगी और उसके बाद दुनिया के देश इसमें कूद पड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ और लोग मर रहे हैं। दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका को लगता है कि चीन की वजह से ये बीमारी फैली। अगर चीन चाहता तो इस बीमारी को रोक सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर इस बीमारी को फैलने दिया और चीन इस गुस्से को शांत करने के लिए भारत से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। लग रहा है कि चीन युद्ध करके ही मानेगा, वहीं भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खम ठोक रहा है। ठोक ही नहीं रहा बल्कि चीन को कई जगहों पर पीछे धकेल चुका। इसी बीच खतरनाक से खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन और उनकी ताकत को दिखाया और बताया जा रहा है। तो आज हम भी एक ऐसी मिसाइल के बारे में बता रहे हैं जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है और जो आवाज की गति से भी 27 गुना अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ सकती है। तो आज हम इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बताएंगे। जी हाँ, इस मिसाइल का परीक्षण किया है रूस ने और इसका नाम रखा है एवनगार्ड। एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों हैं। लॉन्च होने के बाद पृथ्वी की कक्षा से ये बाहर चली जाती है, जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को अपना निशाना बनाती है। मिसाइल को रोकना काफी मुश्किल है, रफ्तार की वजह से रडार भी नहीं पकड़ पाता। इसकी आधे से अधिक जानकारी गुप्त रखी गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि ये मिसाइल परमाणु क्षमताओं से लैस है, आवाज की गति से और 27 गुना तेजी से उड़ सकती है। पुतिन के मुताबिक इस मिसाइल की रफ्तार की वजह से कोई भी सिस्टम इससे बच नहीं सकता। इस मिसाइल को रूसी सेना में शामिल किया गया। अभी तक इस मिसाइल को कहां तैनात किया जाएगा इसकी जानकारी गुप्त रखी गई। हालांकि माना जा रहा है कि इसे यूराल के पहाड़ी इलाके में तैनात किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि रूस ने कैसे दुनिया को चौंका दिया और इसके साथ ही साथ अमेरिका को करारा जवाब दिया। अब देखना होगा कि अमेरिका किस तरह इसका जवाब देता है।